हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नाश्ते में खाएं ढोकला और एक हफ्ते में घटाएं अपना वजन। जी हाँ फ्रेंड, गुजराती डिश ढोकला खाने में जितना स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी होता है, उतने ही इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। आपको बता दें कि ढोकले में फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ, ढोकला बनाने की विधि और उसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट की वजह से यह हमारे सेहत के लिए बैलेंस डाइट ब्रेकफास्ट है। जी हाँ फ्रेंड, स्वस्थ भोजन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने टेस्ट से समझौता कर बैठें। जी हाँ, वैसे दोस्तों, पोषक तत्वों से भरपूर कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं। इन्हीं में से एक है ढोकला, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। जी हाँ, जो कि गुजरात की एक प्रमुख और स्वादिष्ट डिश है। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स को खाना पसंद नहीं करते हैं तो ढोकला आपके लिए परफेक्ट डिश है। तो आइए जानते हैं ढोकला हमारी सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा है वजन होता है कम। जी हाँ, वैसे तो जल्दी से वजन घटाने के लिए आपने कई तरह के नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स, आज हम आपको वजन घटाने के लिए गुजराती डिश का एक ऐसा सीक्रेट बता रहे हैं जिसे हर कोई ट्राई कर सकता है। जी हाँ, इस गुजराती डिश का नाम है ढोकला। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि नॉर्मल खाने के साथ साथ आप टेस्टी और स्पाइसी खाने से भी अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी बिना बोर हुए, सिर्फ 7 दिनों में। जी हाँ, ढोकले खाने से आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ढोकले बेसन से बनते हैं, इस वजह से ढोकले में फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इसका सेवन रोजाना करने से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की मात्रा बढ़ेगा, जिसके साथ ही बॉडी में बड़ी ज़्यादा चर्बी को भी घटाता है, यानी कि फ्रेंड्स, इससे आपका फैट बहुत ही तेज़ी से बर्न होता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम ढोकले में 160 कैलोरी होती हैं, यानी कि 160 कैलोरी होती हैं, क्योंकि इसे स्टीम करके बनाया जाता है, ना कि इसे तेल में तल के बनाया जाता है। इसलिए अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट डिश है। वैसे दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि स्पाइसी और टेस्टी खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड, टेस्टी और स्पाइसी खाने से भी आप अपना वज़न को काबू में कर सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए और साथ ही सिर्फ 7 दिनों में। जी हाँ, ढोकले खाने से आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अभी तक आप नाश्ते में जो भी खाते थे आप उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए ढोकला खाना शुरू करें और अपने वज़न को घटाएँ। दोस्तों, ढोकले के नियमित सेवन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़कर आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी तो घटती ही है, इसके अलावा फ्रेंड, ढोकला खाने से पेट से संबंधी कई सारे रोग भी नहीं होते हैं। जी हाँ, इसीलिए फ्रेंड्स, यदि आप एक हफ्ते तक भी ढोकले को अपने नाश्ते में शामिल करते हो तो आपको अपने पेट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए है बेहतर। जी हाँ, ढोकले का नाश्ते में सेवन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुबह हमें हल्का और हेल्दी फूड लेना चाहिए, है ना फ्रेंड्स? जी हाँ, जिससे कि हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, जिसके लिए ढोकला सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुजराती स्नैक ढोकला को स्टीम करके बनाया जाता है। जी हाँ, इसमें मिला हुआ बेसन की वजह से इसके पोषक तत्व और भी बढ़ जाते हैं। बेसन होने की वजह से इस डिश में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ढोकले में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिस वजह से फ्रेंड्स, ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी बेहतर डिश है। जी हाँ, इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप ढोकला ज़रूर खाएं और अपने आप को बनाएं हेल्दी। दोस्तों, खमीरी भोजन है ढोकला। जी हाँ, ढोकला को खमीरी भोजन भी कहा जाता है, जैसे कि इडली और डोसा को कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, इनके लिए आटा पहले से ही भिगाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें खमीर पैदा हो सके। ऐसे खमीर वाले भोजन मोटापा कम करने के लिए मदद करता है, इसलिए आप भी ढोकला ज़रूर खाएं। दोस्तों, फाइबर का बेहतर स्रोत है ढोकला। जी हाँ दोस्तों, ढोकले में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ढोकला खाने से आपके शरीर में नए यानी कि न्यू सेल्स बनते हैं, क्योंकि ढोकला ज़्यादातर बेसन से बनता है, इसीलिए इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर और आयरन होता है। शरीर में नए सेल्स बनने से आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, और साथ ही फ्रेंड्स, आप कई तरह की गंभीर बीमारियों के होने से भी बच जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं